हाय, मैं हूं शारंग कट्टी, आपका करियर मेंटर। आज का वीडियो मैं आपके सामने दो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की कंपैरिजन रखने के लिए बना रहा हूं। तो आज के लिए मैंने जो दो एंट्रेंसेस सिलेक्ट किए हैं वो है जेईई मेन पेपर 1 और एमएचटी सीईटी। सो इसमें मैं लॉन्ग फॉर्म से लेके एडमिशन अथॉरिटी तक, एग्जाम पैटर्न से लेके सिलेबस तक ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए ट्राई करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं लॉन्ग फॉर्म से। सो JEE मेन का लॉन्ग फॉर्म है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन पेपर 1 और MHT CET का है महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसकी कंडक्टिंग अथॉरिटी हम अब देखते हैं। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये कंडक्टिंग अथॉरिटी है JEE के लिए, और CET सेल ये जो अथॉरिटी है महाराष्ट्र की MHT CET जो एग्जामिनेशन रहती है उसके लिए। अब इसका थोड़ा सा हम कैंपसेस देखते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है JEE, तो ऑफ कोर्स उसके जो कैंपसेस है वो नेशनल लेवल पे है। फर्स्ट, ये जो एग्जामिनेशन मेनली कंडक्ट की जाती है वो इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए की जाती है, तो उसमें NIT, I2IT, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट और सारे महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर के स्टेट में से जो भी इंजीनियरिंग प्राइवेट कॉलेज है उसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर हम MHT CET का कंसिडरेशन देखते हैं तो कैंपसेस के हिसाब से, तो हम महाराष्ट्र के सारे गवर्नमेंट और सारे प्राइवेट कॉलेज में हम एडमिशन ले सकते हैं, पर NIT, IIT, I2IT, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट जो भी महाराष्ट्र में है वहां पे आपको MHT CET के थ्रू एडमिशन नहीं मिल सकता। सेम JEE के मार्क्स के ऊपर महाराष्ट्र के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है जैसे कि COEP, VZTR, यहाँ पे आपको एडमिशन नहीं मिल सकता। उसके बारे में थोड़ी और ज्यादा इंफॉर्मेशन में आगे आपको देने वाला हूं। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एवरी ईयर NTA के हिसाब से, मतलब JEE के एडमिशन के रूल के हिसाब से, अगर आपको NIT, I2IT में एडमिशन चाहिए तो बोर्ड में 75% ये कंपल्सरी क्राइटेरिया रहता है, पर इस साल ड्यू टू कोविड ये क्राइटेरिया हटा दिया गया है। MHT CET के लिए नॉर्मली 50% इन PCM ये क्राइटेरिया रहता है अगर आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन चाहिए तो, पर इस साल ये क्राइटेरिया थोड़ा कम किया गया था 2020-21 के एडमिशन में, पर ये 21-22 के एडमिशन में कैसा रहेगा ये अभी तक डिक्लेयर नहीं है, तो 2021 जैसा ही शायद 45% रह सकता है, या फिर हम ऑन सेफर साइड 50% इन PCM ये कंसिडर करके आगे जा सकते हैं। तो ये था एलिजिबिलिटी के बारे में। अब थोड़ी इंफॉर्मेशन लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न, एग्जामिनेशन मोड इसके बारे में। तो एग्जामिनेशन पैटर्न ये JEE मेन का अगर देखा जाए तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ये तीन पेपर रहते हैं। तीनों पेपर 100-100 मार्क्स के रहते हैं। तीनों में 30-30-30 क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें से 20 क्वेश्चंस जो है वो MCQ बेस्ड रहते हैं और 5 क्वेश्चंस जो है वो आपको डायरेक्टली न्यूमेरिक बेस्ड आंसर आपको देना पड़ता है, पर ये जो 5 क्वेश्चन है वो 10 में से कौन से ही 5 आपको सॉल्व करने रहते हैं। सो 20+10 ऐसा JEE के लिए पैटर्न है, उसमें से 20 क्वेश्चंस ये MCQ बेस्ड रहेंगे और 10 में से कौन से भी 5 आपको न्यूमेरिक बेस्ड डायरेक्टली आंसर आपको राइट डाउन उसमें करना रहता है। अगर ये सेम सिनेरियो हम MHT CET के लिए चेक करेंगे तो वहां पे आपको थोड़ा PCM और PCB ये दो पेपर दिखेंगे। सो PCM वाले पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स रहेगा और PCB के पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऐसे दो पेपर्स कंडक्ट किए रहते हैं। तो उसमें से अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का हम पेपर पैटर्न देखेंगे तो फिजिक्स के आपको 50 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चंस रहेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री पर क्वेश्चन 1 मार्क है और मैथमेटिक्स के लिए पर क्वेश्चन 2 मार्क दिए गए हैं। और PCB का पेपर अगर हम देखेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री दोनों के लिए अगेन 50-50 क्वेश्चंस, पर क्वेश्चन 1-1 मार्क, पर बायोलॉजी के 100 क्वेश्चंस पर क्वेश्चन 1-1 मार्क, मतलब दोनों पेपर 200 मार्क्स के ही बनते हैं। JEE मेन में PCB ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, सो PCM एक ही ग्रुप रहता है और वहां पे हर एक क्वेश्चन के, हर एक सब्जेक्ट के
30 30 30 क्वेश्चंस रहते हैं, 100 100 100 मार्क का ये क्वेश्चन पेपर रहता है। तो ये था अबाउट एग्जामिनेशन पैटर्न। अब ये एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट की जाती है, दोनों ही एग्जामिनेशन ऑनलाइन ही कंडक्ट किए जाते हैं। सो पेन पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन अब MST CET ने भी निकाल दिया है और JEE मेन ने तो पहले ही निकाल दिए थे। तो अब थोड़ा सा जानकारी लेते हैं उनकी मार्किंग सिस्टम के बारे में। मैंने अभी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन किया ही कि कितने कितने क्वेश्चंस है और कितने कितने मार्क्स वाले टोटल पेपर्स रहते हैं। थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ, JEE मेन के लिए हर एक क्वेश्चन के लिए +4 मार्क्स रहते हैं अगर आपका आंसर करेक्ट आता है तो। अगर आपका कोई आंसर गलत आता है तो -1, मतलब JEE मेन में निगेटिव मार्किंग है। पर ये जो 20 क्वेश्चंस रहते हैं MCQ बेस्ड, उसमें ही आपको निगेटिव मार्किंग फेस करना पड़ता है। ये जो एडिशनल आउट ऑफ 10 5 कौन से भी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, उसमें आपको निगेटिव मार्किंग फेस नहीं करना पड़ता। उसमें आप 5 के आउट ऑफ 5 अगर अटेम्प्ट भी किया और आपके आंसर्स गलत भी आ गए तो भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। पर MST CET का अगर हम देखेंगे तो उसमें निगेटिव मार्किंग ही नहीं है। और वैसे मैंने बोला कि मैथ्स के हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पेपर के लिए हर एक क्वेश्चन के लिए 1-1 मार्क रहता है। सो PCM का पेपर 200 मार्क्स का बन जाता है और PCB का पेपर भी 200 मार्क्स का बन जाता है। तो ये था अबाउट एग्जामिनेशन पैटर्न एंड मार्किंग सिस्टम। अब थोड़ी इंफॉर्मेशन लेते हैं सिलेबस के बारे में। JEE मेन ये नेशनल लेवल पे कंडक्ट की जाने वाली एग्जामिनेशन है और MST CET ये महाराष्ट्र स्टेट के लिए कंडक्ट किए जाने वाले एग्जामिनेशन है। तो महाराष्ट्र का जो सिलेबस है वो MST CET के लिए कंपलसरी रहता है, पर ये जो नेशनल लेवल की एग्जामिनेशन है उसके लिए CBSE लेवल का एग्जामिनेशन पैटर्न रहता है। तो पूरे ब्रोशर में कौन से फिजिक्स के टॉपिक्स, कौन से मैथ्स के टॉपिक्स, कौन से सारे सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, पॉइंट्स वाइज ये NTA ने ऑलरेडी पब्लिश किए रहते हैं। पर मैं एक डिफरेंशिएबल पॉइंट इतना ही कहना चाहूँगा कि 11th और 12th दोनों का सिलेबस JEE मेन के लिए रहता है और MST CET के लिए 200 मार्क्स का पेपर रहता है, उसमें से 40 मार्क्स ये 11th पे बेस्ड रहता है और 160 मार्क्स ये 12th पे बेस्ड रहता है। मतलब 20% सिलेबस जो रहता है वो 11th का रहता है और 80% सिलेबस जो रहता है वो 12th का रहता है। और CET ने भी सारे पॉइंट्स फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के और बायो के कौन से रहेंगे, उसमें से सब पॉइंट्स कौन से रहेंगे ये मेंशन ऑलरेडी करके ही वो एग्जामिनेशन के पेपर फॉर्म्स आउट करते हैं। तो ये था थोड़ा सा सिलेबस के बारे में। फी स्ट्रक्चर के बारे में अब थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो JEE मेन इस एग्जामिनेशन का फी स्ट्रक्चर फॉर मेल कैंडिडेट अलग है और फॉर फीमेल कैंडिडेट अलग अलग है। जैसे कि ओपन मेरिट का अगर स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है JEE मेन के लिए तो उसका फी स्ट्रक्चर रहेगा 650 पर अटेम्प्ट। पर उसी एग्जाम के लिए अगर फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर रही है तो उसका फी स्ट्रक्चर रहेगा 325। पर अगर हम MST CET के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे तो मेल फीमेल के लिए स्पेशल कंसेशन नहीं है, सब ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स के लिए ये फी स्ट्रक्चर 800 ही रहता है। पर अगर आप बिलोंग करते हो कोई रिजर्वेशंस में तो डायरेक्टली JEE का फी स्ट्रक्चर बन जाता है फॉर SC ST कैंडिडेट्स 325 रुपीज, मतलब हाफ। और अगर आप MST CET में कौन से भी रिजर्वेशन में आते हो SC ST OBC, तो आपका रिजर्वेशन के हिसाब से आपका फी स्ट्रक्चर बन जाता है 600 रुपीज। ये थोड़ा फी स्ट्रक्चर MST CET का इस साल का डिक्लेयर नहीं हुआ है, पर 2 साल से ये 800 और 600 इतना ही कंटिन्यू रह चुका है। अब थोड़ा सा जानकारी लेते हैं इसके एग्जामिनेशन के डिफरेंस बेसिक क्या है। तो एक एग्जामिनेशन जो है वो MST CET अगर हम देखेंगे वो टाइम बेस्ड एग्जामिनेशन है ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में 150 क्वेश्चंस का आंसर देना रहता है और उसके लिए हमारे पास टाइम है 3 आवर्स, मतलब 180 मिनट्स। और JEE के लिए हम कंसिडर करेंगे तो हमारे पास है 75 क्वेश्चंस जो हमें अटेम्प्ट करने हैं और हमारे पास टाइम है 180 मिनट्स, अगेन 3 आवर्स। सो ये JEE मेन जो एग्जामिनेशन है वो एक्यूरेसी बेस्ड एग्जामिनेशन है, आपको एग्जैक्ट आंसर तक जाना पड़ता है। पर MST CET जो एग्जामिनेशन है वो टाइम बेस्ड है, ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस जो आपको दिखेंगे वो सिमिलर JEE जितने नहीं रहेंगे। तो आपने टेंटेटिव आंसर कैलकुलेट भी किया तो आपको परफेक्ट आंसर ABCD में से मिल सकता है। तो एक एग्जामिनेशन जो है वो JEE वो एक्यूरेसी बेस्ड है और MST CET ये जो एग्जामिनेशन है वो टाइम बेस्ड है।
नो डाउट ये भी एग्जामिनेशन में टाइम मायने रखता है और एमएसटी सीईटी में भी एक्यूरेसी मायने रखती है, पर ये जो एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है वो टाइम बेस्ड है, क्योंकि कम टाइम में एमएसटी सीईटी के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप लिखोगे तो ही आपको ज्यादा मार्क मिलेंगे, पर यहाँ पे थोड़ा पर क्वेश्चन टाइम जेई के लिए ज्यादा मिलता है। तो ये एक्यूरेसी के लिए मैंने जस्ट और टाइम बेस्ड ये आपको कंपेरिजन बोला। अभी मैंने जैसे बोला कि ड्यूरेशन, सो इसके एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन कैसे कैसे रहते हैं, तो तीनों एग्जामिनेशन दोनों एग्जामिनेशन के लिए टाइम जो है वो 3 आवर्स का ही दिया गया है, मतलब 180 मिनट्स इतना ही दिया गया है। अब और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये एग्जामिनेशन कितने बार कंडक्ट की जाती है पर ईयर। अगर जेई मेन के हिसाब से हम देखेंगे तो 2021 से ये एग्जामिनेशन पर ईयर 4 बार कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया है, और एमएसटी सीईटी का अगर देखेंगे तो वो पर ईयर 1 बार ही होती है। दोनों एग्जामिनेशन नो डाउट ऑनलाइन है, पर 4 स्कोर में से आपका जो भी अच्छा स्कोर है वो जेई मेन कंसिडर कर लेता है, और एमएसटी सीईटी जो है वो 1 ही बार कंडक्ट की जाती है। ऑल इंडिया और महाराष्ट्र का मैंने कंपैरिजन आपको पहले ही बोला कि जेई मेन ये ऑल इंडिया लेवल पे एग्जामिनेशन है और महाराष्ट्र लेवल पे एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है, मतलब एमएसटी सीईटी का स्कोर महाराष्ट्र स्टेट के बाहर कहां पे भी यूजफुल आपको नहीं रहेगा। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं टेस्ट सेंटर्स के बारे में, उसका स्लॉट बुकिंग कैसे करते हैं इसके बारे में। तो एक स्लॉट बुकिंग का मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर देता हूँ कि जेई मेन के लिए भी स्लॉट बुकिंग ऐसे सिस्टम नहीं है और एमएसटी सीईटी के लिए भी स्लॉट बुकिंग ऐसे सिस्टम नहीं है। बहुत सारे प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी जो रहते हैं उनका ऑनलाइन एग्जामिनेशन का हमें स्लॉट बुक करना पड़ता है कि एक्चुअली हम तय कर सकते हैं कि हमें इस दिन में से कौन से दिन पे एग्जामिनेशन देनी है, पर एमएसटी सीईटी और जेई का ऐसा नहीं रहता। जो 3 दिन जेई के लिए तय रहेंगे, जो 7-8 दिन सीईटी के लिए तय रहेंगे, उसके हिसाब से वो कंडक्टिंग अथॉरिटी ही आपको वो डेट एंड टाइम आपको बोल देती है। सो वहां पे कोई भी स्लॉट बुकिंग ये अलग टाइम नहीं रहता। टेस्ट सेंटर्स, सो ये टेस्ट सेंटर्स जेई मेन के लिए रहेंगे या फिर एमएसटी सीईटी के लिए रहेंगे, वो दोनों के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे अवेलेबल है। महाराष्ट्र में सभी डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस पे जेई मेन ये कंडक्ट की जाती है और महाराष्ट्र के सभी डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस पे एमएसटी सीईटी कंडक्ट की जाती है। जेई मेन का एडिशनल एडवांटेज ये है कि वो बाहर के स्टेट वाले लोग भी दे सकते हैं उनके उनके स्टेट के डिस्ट्रिक्ट लेवल के सेंटर्स पे, पर एमएसटी सीईटी जो है वो महाराष्ट्र बेस्ड एग्जामिनेशन है, इसीलिए उसके सारे टेस्ट सेंटर्स ये महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस है। अब थोड़ी इंफॉर्मेशन देता हूँ, इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन को कंसिडर करने के बाद इस एग्जामिनेशन का यूज हम कौन से अदर कोर्सेज के लिए कर सकते हैं। तो पहला एमएसटी सीईटी के बारे में देखते हैं। एमएसटी सीईटी का स्कोर बेसिकली उसमें पीसीएम ये सब्जेक्ट के ऊपर भी एंट्रेंस कंडक्ट की जाती है और पीसीबी के ऊपर भी एंट्रेंस कंडक्ट की जाती है। तो अगर पीसीएम का स्टूडेंट है तो वो एग्रीकल्चर कोर्सेज के लिए भी अप्लाई कर सकता है और फार्मेसी कोर्सेज के लिए भी अप्लाई कर सकता है। सेम फॉर पीसीबी, वो एग्रीकल्चर कोर्सेज के लिए भी अप्लाई कर सकता है, बीएससी एग्री रहेगा, बीएससी फूड टेक्नोलॉजी रहेगा, वहां पे अप्लाई कर सकता है, और बी फार्मेसी के लिए, डी फार्मेसी के लिए भी अप्लाई कर सकता है। तो फार्मेसी के लिए पीसीएम हो या पीसीबी दोनों स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इन महाराष्ट्र विद द हेल्प ऑफ एमएसटी सीईटी। अब हम सिनेरियो देखते हैं जेई मेन का। जेई मेन नो डाउट इंजीनियरिंग के लिए बेसिक एग्जामिनेशन तो है ही, जैसे कि हम एनआईटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, I2IT के लिए अप्लाई कर पाएंगे, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, हर एक स्टेट के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ हम महाराष्ट्र में जो एग्रीकल्चर के कॉलेजेस हैं वहां पे बीटेक कोर्स के लिए, फूड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं थ्रू जेईई मेन पेपर। ये सेम जेईई मेन के मार्क्स के ऊपर हम IISE इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ये रिसर्च इंस्टीट्यूट में डायरेक्टली BS इस कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। BS मतलब बैचलर इन साइंस, ये 4 साल का कोर्स है, उसके लिए जेई मेन का स्कोर कंसिडर किया जाएगा। और एक जेई मेन और CET में से डिफरेंस, जेई मेन ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंसिडर की जाती है जेई एडवांस के लिए। जेई एडवांस के स्कोर के हिसाब से हम IITs या फिर IST मतलब इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी या फिर IISER ICER में अप्लाई कर सकते हैं,
पर एमएसटी सीईटी का एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब ये एक प्राइमरी एग्जामिनेशन है और ये अगर आप क्वालिफाई करोगे तो आप दूसरी एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल रह सकते हो, ऐसा सिनेरियो नहीं है। सिर्फ एमएसटी सीईटी का स्कोर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं एडमिशन के लिए एज अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ये एमएसटी सीईटी का कौन सा भी ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है। तो ये था थोड़ा सा डिफरेंस एमएसटी सीईटी और जेईई मेन में। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसी वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको और भी देखने हैं तो हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। हम हमेशा एंट्रेंस और एडमिशन के टाइमली अलर्ट्स हमारे Instagram पेज पे अपडेट करते रहते हैं। ये अगर टाइमली अलर्ट्स आपको चाहिए तो हमारे अस्मी करियर Instagram पेज को आज ही फॉलो कीजिए। और अगर आपको करियर, एंट्रेंस, एडमिशन इसके रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन को कॉल करके ये सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।